अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 73। और आज के इस लेसन में हम इंटरफेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्लाइस एंड थिकन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इंटरफेयर कमांड्स जो यूज़ की जाती है, उसका फंक्शन ये है कि इंटरफेयर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट एक बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट में कोई और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, तो आपको ये कमांड बता देती है कि आपके इस ऑब्जेक्ट में कौन सी चीज़ ने या कौन से ऑब्जेक्ट ने इंटरफेयर किया है। उसके बाद स्लाइस कमांड जो होती है, आपके ऑब्जेक्ट को काट के आपके ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बताती है कि आपका ऑब्जेक्ट अंदर से कैसा है। और थिकन कमांड आपके सरफेस को उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूँगा, ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम करते हैं जी, इंटरफेयर के ऊपर डिस्कस करते हैं इंटरफेयर क्या है। तो इंटरफेयर के लिए मैं होम पे क्लिक करता हूँ और आपके पास यहाँ पे इंटरफेयर कमांड सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो इंटरफेयर का फंक्शन क्या है कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूँ कि इंटरफेयर कमांड का फंक्शन क्या है। इसके लिए मैं यूनिट सेट करता हूँ, सबसे पहले यूएन एंटर करता हूँ ताकि आसानी से काम कर सकूँ मैं। इंजीनियरिंग 040 एंड चैंड ओके। रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आर ई सी एंटर करता हूँ और एट द रेट ऑफ 10 फिट कामा 8 फिट। मैंने इसीलिए ये ड्रॉ किया था ताकि मुझे आसानी मतलब पता चले कि मेरा ऑब्जेक्ट मैंने कितना बड़ा क्या हुआ है। ऑब्जेक्ट को सामने लाने के लिए जेड स्पेस ए स्पेस करें। तो ये एक रेक्टेंगल है और हम वर्ड में और सॉलिडिटी पे सही है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर काम करता हूँ, वो काम ये करता हूँ कि मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ई एक्स टी एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ तकरीबन 3 फिट। और अब मैं इसके अंदर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे 2D वायर फ्रेम में जाना है और इसके अंदर एक और रेक्टेंगल के लिए आर ई सी या फिर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर करता हूँ और इसके अंदर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस सर्कल को एक्सट्रूड करता हूँ, ई एक्स टी एंटर करता हूँ और सर्कल को थोड़ा सा इसे बड़ा रखता हूँ। शेड एस एच ए डी ई एंटर, शेड का कलर चेंज है तो आप यहाँ पे करंट में जाके और यहाँ से आप शेड ऑफ ग्रे पे क्लिक करें तो देखें कलर आ गया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है और दूसरा मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में कौन सा एरिया जो इंटरफेयर हो रहा है। चलिए देखते हैं, आई थिंक इसमें तो इंटरफेयर नहीं हो रहा लेकिन हम पता चल जाएगा इंटरफेयर हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, इंटरफेयर के ऊपर क्लिक करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्पेस प्रेस करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट को प्रेस करके स्पेस प्रेस करना है। तो इसमें कोई इंटरफेयर एरिया नहीं है, तो इंटरफेयर के लिए मैं दोबारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, आर ई सी एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इसके बीच में एक सर्कल भी ड्रॉ करता हूँ ताकि अब मुझे सही इंटरफेयर बताएगा, क्योंकि जो पहले वाला मैंने सर्कल ड्रॉ किया था वो आपकी विड्थ के ऊपर आ गया था। और अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, मुझे अब सर्कल नज़र नहीं आ रहा, तो सर्कल के लिए मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके 2D वायर फ्रेम के ऊपर क्लिक करूँगा, सर्कल को भी एक्सट्रूड करता हूँ। ओके, और अब मैं इसको शेड देता हूँ, शेड के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा और शेडेड ट्रे में क्लिक करता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे, अब मैं इसको देखता हूँ कि इसमें कौन सा एरिया इसमें इंटरफेयर कर रहा है, और उसके लिए मैं यहाँ पे इंटरफेयर टूल पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, स्पेस सेकंड ऑब्जेक्ट को स्पेस सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करता हूँ,
तो आपको यहां पे अब ये बता रहा है कि आपका कौन सा एरिया आपके ऑब्जेक्ट में इंटरफेयर कर रहा है। तो जो इंटरफेयर कर रहा है एरिया, वो आपको यहां पे कलर उसका मेंशन क्या हुआ कि ये वाला एरिया इसमें इंटरफेयर कर रहा है। और इसके अलावा आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक ही है, सेकंड ऑब्जेक्ट भी एक है, और इंटरफेयर जो पेयर हमारे पास फाउंड हुआ है वो वन हमारे पास पेयर भी फाउंड हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको ये कंप्लीट बता रहा है कि ये वाला एरिया इसमें इंटरफेयर हुआ है। और इंटरफेयर को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है कि जिस तरह मैंने पहले वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर इसके ड्रॉ किया था, तो उसी तरह आपने ड्रॉ करना है, तो आपको इंटरफेयर नहीं बताएगा। अब मैं इस इंटरफेयर को खत्म करना चाह रहा हूं, तो खत्म करने के लिए मैं इस पे यहां पे क्लिक करता हूं, इसको मूव करता हूं यहां पे इसके ऊपर, या फिर मैं इसके ऊपर देखिएगा मैं यहां पे इसी के ऊपर सर्कल ड्रॉ करके उस पर काम करता हूं, सी एंटर करता हूं और इसको एक्सटेंड करता हूं, एक्सट्रूड करता हूँ, ओके। अब मैं देखता हूँ इसमें इंटरफेयर का ऑप्शन अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो इंटरफेयर के लिए मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस, सेकंड ऑब्जेक्ट को स्पेस किया, और देखें अब ये इंटरफेयर नहीं कर रहा, क्योंकि ये अपने सरफेस के ऊपर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आई मीन दूसरा जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया सरफेस के ऊपर बनाया। तो ये था जी आपका इंटरफेयर का ऑप्शन, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट कमांड है जी स्लाइस की। तो स्लाइस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँ जो आपको सही तरह से आप जिस ऑब्जेक्ट में स्लाइस की कमांड को आप सही तरह से समझ सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे जाता हूँ जाके, तो मैं यहाँ से इसको फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, ओके, सर्कल ड्रॉ करता हूं, और इस सर्कल को मैं यहां से एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं, दो सर्कल ड्रॉ किए मैंने, और यहां से अब मैं इस तरह करता हूं कि ओके, मैं इस तरह यहां से करता हूं कि मैं इसको प्रेस पुल करता हूं इस ऑब्जेक्ट को, ओके, मैं इस साइड पे करूंगा क्योंकि ये जो साइड है ये बैक साइड पे चल जाता है, माइनस में जा रहा है, देख सकते हैं। तो इस साइड पे इसको लेके आता हूं, ओके, इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूं, इसको भी पुश करता हूँ, ओके, और अब मैं इसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, सी एंटर करता हूँ इसके अंदर, इसको मैं पुश करता हूँ, ओके, अब ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो मेरे पास तैयार हो गया। अब मैं इसके लिए यहां से टॉप पे क्लिक करता हूँ, और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को काट के आपको बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले मैं यहाँ से ऑर्बिट से इसको थोड़ा मूव करता हूँ, इस साइड पे इस तरह मूव करता हूँ। अब इसके काटने के लिए मैं स्लाइस टूल यूज़ करूँगा कि मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ कि वो कैसा है। तो उसके लिए मैं स्लाइस टूल यूज़ करता हूँ, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आपने, स्पेस प्रेस करना है, फर्स्ट पॉइंट ये वाला इस पॉइंट से लेकर, और मैं अपने ऑब्जेक्ट को काटना चाह रहा हूँ इस पॉइंट तक, एंटर कर दें। अब ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको अलग करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। अब यहाँ से जो ही मैंने क्लिक किया और इसको भी क्लिक करता हूँ, तो देखें ये अपने पास एक ऑर्बिट आया, और इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ, मूव करने के लिए मैं आगे लेके जाता हूँ,
तो मेरे पास ये रेड लाइन एक आ रही है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करके उसको आगे मूव करता हूँ। ओके, तो मेरा काम हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है। तो मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, और अब मैं आपको यहाँ से ऑर्बिट से मैं आपको समझाता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट कैसे है, देख सकते हैं। देखिए ज़रा, तो स्लाइस टूल की मदद से आपको इसने बता दिया कि ऑब्जेक्ट कैसा है, देख सकते हैं। इसी ऑब्जेक्ट में अगर और भी कोई काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ओके एक और में काम करता हूँ इस ऑब्जेक्ट में, पुश किया इसको मैंने आगे और ये पुश हो गया। अब यहाँ पे जो एरिया है इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है हमें। और अब इसको मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ, ओके इसको मैं काट के देखना चाह रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो आगे से भी डिलीट हो गया, लेकिन चले पता चल जाएगा हमें इसका स्ट्रक्चर कैसा है। कार्ड क्या, और अब मैं इसको मूव करके आपको दिखाता हूँ किसका स्ट्रक्चर कैसे, देख सकते हैं आप। देखें जरा अंदर से कैसा है। तो ये जी फंक्शन था जी स्लाइस टूल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट अब जिस टूल भी हम डिस्कस करेंगे, वो आपके पास जो टूल है वो है थिकन का टूल है, और वो सरफेस के ऊपर काम करता है। तो उसका फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं जी। उसके लिए मैं यहां से एक सरफेस ड्रॉ करता हूँ। सरफेस ड्रॉ करने के लिए आप यहां पे सरफेस पे क्लिक करें, और यहां पे आपके पास एक प्लानर सरफेस है, देख सकते हैं प्लानर सरफेस, क्लिक करेंगे इस पे। ओके, मेरे पास प्लानर सरफेस ड्रॉ हो गया। जेड स्पेस ए स्पेस करता हूँ उसको मूव करने के लिए। ओके, और अब इस सरफेस पे काम करता हूँ, तो आप देखिएगा मैं इस पे किस तरह काम करता हूँ। तो होम में जाता हूँ, और यहाँ पे जी आपका थिकन, और थिकन यहाँ पे देखें लिखा हुआ, अब ये कन्वर्ट, आप देखें लिखा हुआ यहाँ पे कन्वर्ट अ सर्फेस इन टू अ 3D सॉलिड विद अ स्पेसिफाइड थिकनेस। तो उसके लिए मैं सरफेस पे क्लिक करता हूँ, थिकनेस पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस करता हूँ, कितनी इस ऑब्जेक्ट थिकनेस होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको थिकनेस का साइज देता हूँ, तो मैं देता हूँ इसको 1 फिट। देखें 1 फिट इसकी थिकनेस आ गई, आप देख सकते हैं। तो ये जी इसका फंक्शन है जी सरफेस की थिकनेस देने का। ओके, तो ये था जी आपका आज का लेसन, जिसमें हमने काम किया जी थिकनेस के ऊपर, और उसके अलावा स्लाइस टूल के ऊपर काम किया, और थर्ड जो हमने काम किया वो इंटरफेयर के ऊपर काम किया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में कुछ एडवांस टूल की तरफ आएंगे, जो कि आपको यहाँ पे एड्स हैं, और उसके अलावा इम्प्रिंट है, कलर एड्स हैं, और कॉपी एड्स हैं, तो इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।